त्यौहार होता है जो हमें साल में एक बार आता है जिसको हम लोग पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो दीप जलाना स्पेशली हम लोग के लिए ज़्यादा मायने रखता है। जो दिवाली का दीपक होता है उसमें लक्ष्मी जी का पूजा करना हम लोग के लिए विशेष सेवा। अच्छा, और आपके लिए मतलब इस साल आप दिवाली आ रही हैं तो आप क्या स्पेशल करने वाले हो? स्पेशल कुछ खास नहीं कर रहे, बच्चा हुआ है के लिए पूरा पूरा जो जाता पड़ता है उसमें मिठाई भर मिठाई को बांटना है और सबको मिलजुल के। और सर आपका दिवाली आपके लिए दिवाली क्या है? मतलब आप तो दिवाली मनाते होंगे। दिवाली तो सबके लिए है। हाँ, दिवाली तो सबके लिए सब अच्छा है। दिन बाजू जी पटना ये सबका घर में मिठाई थोड़ा पहुँच जाना। और स्पेशल प्लान क्या है आपका दिवाली का? स्पेशल तो बहुत कुछ है, वो तो हम लोग होटल में नहीं चलता। मतलब दिवाली के दिन भी दुकान खुला हुआ है? अच्छा, मतलब जो दिवाली होगा वो शाम के बाद ही होगा। शाम के बाद ही होगा, जो भी होगा शाम के बाद 8:30 बजे बंद करके चले जाते हैं। इस साल दिवाली में क्या प्लान है तुम्हारा? सामान बेचने आए हैं। पटाखा नहीं फोड़ना? जी पटाखा नहीं फोड़ना। अच्छा, और अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारा प्लान है कि हम पटाखा फोड़ेंगे और दिवाली को कल भी यहाँ बेचोगे? दिवाली के दिन भी बेचोगे? जी। फिर कैसे मनाओगे दिवाली? उसी रात मनाएंगे, रात में पटाखा फोड़ेंगे और सुबह में बेचेंगे। ओके। दिवाली अकॉर्डिंग से आप दिवाली मनाते हो तो दिवाली आपके लिए क्या मायने रखता है? अब तो कल भी आ रहा होगा। अच्छा, ये सर कैसा हुआ है सेलिब्रेशन? मतलब कितना फटाका अच्छा बिक रहा है, लग रहा है आपको अच्छा से धूमधाम से हो रही है। फेलियर अच्छा, आपका दिवाली कैसा जाएगा सर? हम लोग का दिवाली आम दिवाली कैसा और क्या, मतलब कोई नो स्पेशल प्लान। घर वालों का जो करना वो लोग कर रहा, हम लोग रात को 2 बजे 2:30 बजे जाएंगे बस। तो छोड़ छाड़ के पूजा हो गया, खाते पीते सो गया, इतना टाइम तक हम लोग दिवाली रुपया कमाने के लिए। अरे रुपया कमाने के लिए टेंशन ज्यादा है, कमाई नहीं है टेंशन ज्यादा। धनतेरस के बाद ही बाजार होती होगी, जो होती होगी 5 बजे। थैंक यू। तो आपने दिवाली मैंने सेलिब्रेट करें तो लाइट एंड सॉन्ग मैंने दिवाली पे आपनादेर प्लान की, मैंने आपनार कछे दिवाली का की বেঙ্গলে যে কালী পুজোটা হয় মানে বাংলাতে সেটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়, একটা বাংলাভাষীদের জন্য একটা হিন্দিভাষীদের জন্য। বাংলাভাষীরা যারা এই কালী পুজোটাকে পালন করে তারা এটাকে কালী পুজোই বলে, আর হিন্দিভাষীরা এটাকে দেওয়ালি বলে।
ভাষা এবং হিন্দি ভাষীদের এখানে আরেকটা বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, যেটা হচ্ছে লক্ষ্মী পুজো। লক্ষ্মী পুজোর এই সময়টা যারা লক্ষ্মী পুজোটা পড়ে, আমরা যারা বাংলাভাষী আমরা সবাই এই সময়টাতে কী করি, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আনন্দ করি, বিভিন্ন রকম বাজি ফাটাই বা রাত্রের দিকে পুষ্পাঞ্জলি। হ্যাঁ, একটা রাত্রে একটা রেওয়াজ আছে যে যতক্ষণ না পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় ততক্ষণ মানে উপোস থাকা হয়। হ্যাঁ, তারপরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর পোশাক খেয়ে তারপরে পুজো দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এ বাংলার বাঙালি সম্প্রদায়ের এরকমই একটা প্রথা মোটামুটি চলে আসছে। তা আগে আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন আমরা যখন বাজি ফাটাতাম মানে শব্দবাজি, তখন সাউন্ড পলিউশনের অত বাধা বিশেষ ছিল না, কিন্তু এখন যেহেতু শব্দবিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে সেই সূত্রে সাউন্ড পলিউশনের একটা ব্যাপার থেকে যায়, সেগুলো আমরা সেগুলো মানে আগে আমরা ছোট বয়সে যদি 100 টাকা থাকতো তাহলে আমরা পৃথিবী জয় করে ফেলতাম, আর এখন 500 টাকা নিয়ে বেরোলেও ঘরে ঢোকার সময় আর খুচরো পয়সা খুঁজে পাওয়া যায়। Thank you.